नमस्कार आदाब दोस्तों, आज एक नए ब्लॉग में आप सभी लोगों का इस्तकबाल है। आज एक स्पेशल वीडियो के साथ आप सभी लोगों के बीच हाजिर हूँ। जैसा कि आप सबको पता है कि आज हमारे शहर साहिबाबाद गाजियाबाद में भारत की पहली रैपिड ट्रेन का संचालन शुरू हो गया है और आज पहली यात्रा शुरू होने वाली है। और कल ही हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस ट्रेन का उद्घाटन किया और अभी मैं साहिबाबाद रैपिड ट्रेन के स्टेशन पर मौजूद हूँ। और आप ठीक इस तरफ देखिए, ये साहिबाबाद रेलवे स्टेशन का एंट्रेंस है और यहाँ से अंदर हम जाएंगे। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि ये ट्रेन कितनी खूबसूरत है और इसके क्या क्या फीचर्स हैं। और इस ट्रेन के बारे में बताया गया कि अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस ये ट्रेन भारत की पहली ऐसी ट्रेन है जो आप मिनी बुलेट ट्रेन भी कह सकते हैं इसे। तो आइए यात्रा करते हैं और एक्सपीरियंस करते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये साहिबाबाद का प्रवेश द्वार है स्टेशन में जाने के लिए। और ऊपर जाने के बाद हमें एक ब्रिज मिलेगा जिससे हम जाएंगे अंदर। काफी खूबसूरत डेकोरेट किया गया है और कल ही भारत के प्रधानमंत्री ने इस खूबसूरत स्टेशन और इस खूबसूरत रैपिड ट्रेन का उद्घाटन किया। काफी ज्यादा खूबसूरती से बनाया गया है, आप देख सकते हैं, खूबसूरत फूलों से सजाया गया है। और भारत की पहली सपनों की उड़ान, सपनों की ट्रेन जिसे आप कहेंगे, आइए यात्रा करने के लिए तैयार है। तो ये देखिए, ये खूबसूरत ब्रिज आप देख सकते हैं। और ये देखिए, ये जो रास्ता आपको दिखाई दे रहा है, ये आनंद विहार दिल्ली की तरफ जाता हुआ। और इस तरफ आप देखेंगे तो ये मोहन नगर गाजियाबाद की तरफ जाता हुआ रास्ता आपको दिखाई देगा। और ये साहिबाबाद का रैपिड स्टेशन का जो स्टेशन है आपको दिखाई दे रहा होगा। काफी खूबसूरत नजारा है दोस्तों, आइए आगे चलते हैं और देखते हैं इस खूबसूरत स्टेशन को और यात्रा करते हैं इस खूबसूरत ट्रेन में। दोस्तों, बहुत ही ज्यादा खूबसूरती से इसे सजाया गया है, आपको एयरपोर्ट वाली फीलिंग यहाँ पे आएगी। गजब की खूबसूरती आपको देखने को मिलेगी। दोस्तों, अभी हमने टिकट ले लिया है और दुबई तक का टिकट हमने ये लिया है और आप देख सकते हैं ये 40 रुपए का टिकट है। और अंदर से आप देखिए, ये जो जगह है यहाँ से हम टिकट लेते हैं और ये खूबसूरत फूलों से सजाया गया है। ये आप देख सकते हैं स्टेशन को। और ये देखिए, कल भारत के प्रधानमंत्री ने इसका उद्घाटन किया, नमो भारत ट्रेन। और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत ये दूसरी तरफ जाने का रास्ता आप यहाँ से देख सकते हैं दोस्तों। और ये आगे देखिए, यहाँ से सिक्योरिटी चेकिंग के बाद इस जगह से हम अंदर की तरफ जाएंगे। और ये स्टेशन परिसर जहाँ से आप टिकट लेंगे, यहाँ का ये खूबसूरत नज़ारा है दोस्तों। और दोस्तों, अभी हम यहाँ से सिक्योरिटी पार करने के बाद हम इस जगह आए हैं और यहाँ पर पहला दिन है, तो ये फूल, खूबसूरत फूल देख करके हम सबका स्वागत किया गया। और आप देखिए कितना खूबसूरत ये स्टेशन है दोस्तों, बिल्कुल एयरपोर्ट वाली फीलिंग है, बहुत शानदार ये नज़ारा है, आप देख सकते हैं। और ये पूरा एक मॉडल बनाया गया है, ये जितने 3 स्टेशन जो चालू किए गए हैं उसका ये खूबसूरत मॉडल आप देख सकते हैं। ये गाजियाबाद स्टेशन का मॉडल है और ये गुलजार स्टेशन का मॉडल बनाया गया है। साथ ही आप देखिए, मेरठ साउथ और मेरठ नॉर्थ का भी यहाँ पर एक मॉडल बनाया गया है। और ये आप देखिए कितना खूबसूरत ये जो लाइन आप देख सकते हैं, यहाँ से आप देखिए पूरा मॉडल है, जितने स्टेशन रास्ते में पड़ेंगे वो सारे स्टेशन यहाँ पे आपको दिखाई देंगे इस मॉडल में, बहुत ही खूबसूरत है दोस्तों। दोस्तों,
आप यकीन नहीं करेंगे कि क्या फीलिंग है यहाँ पर आने के बाद। इतना प्राउड फील हो रहा है। आप देखिए ये एक और मॉडल, तो दोस्तों अंदर आने के बाद की फीलिंग बयान करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसे बनाया गया है और आप यहाँ आने के बाद महसूस करेंगे कि आप किसी विदेशी सरजमीन पर आ चुके हैं। लेकिन दोस्तों ये हमारा बदलता हुआ भारत है, हमारा अपना देश अपना भारत, तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत ये जगह है। ये स्टेशन आप किस सोच से भी ज़्यादा खूबसूरत बनाया गया है। आप ज़रूर विजिट करें और देखेंगे कितना खूबसूरत ये स्टेशन बनाया गया है। आइए अपनी यात्रा को आरंभ करते हैं और दुहाई तक की यात्रा करते हैं सपनों को उड़ान। आइए बहुत शुक्रिया। ये दुहाई की तरफ जाने के लिए रास्ता और ये सीढ़ियाँ सीधे प्लेटफॉर्म की तरफ जाते हुए, खूबसूरत फूलों से सजाया गया इसे और काफ़ी लोग यहाँ पर आए हैं जो इस खूबसूरत स्टेशन को देख रहे हैं, यात्रा करने के लिए आए हैं और अपने लिए अलग एक्सपीरियंस। पहला दिन तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है दोस्तों। और हम इस सीढ़ियाँ पार करते हुए प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं और ये देखिए भारत की पहली रैपिड ट्रेन नमो भारत का ये खूबसूरत स्टेशन। और देखिए यहाँ पर लोग ट्रेन का इंतज़ार करते हुए, बहुत ज़्यादा खूबसूरत स्टेशन है दोस्तों। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये पूरा प्लेटफॉर्म का नज़ारा है। 40 सीढ़ियाँ भी हैं और जो नॉर्मल सीढ़ियाँ होती हैं वो सीढ़ियाँ भी बनाई गई हैं। और देखिए कितनी व्यवस्थित, कितनी खूबसूरती से बनाया गया है दोस्तों। आप देख सकते हैं ये ऑटोमेटिक डोर भी लगाया गया है ताकि लोगों को सेफ्टी रहे। और ये आप देखिए ये वो ट्रैक है जिस पर भारत की पहली रैपिड ट्रेन आएगी और लोग काफ़ी ज़्यादा उत्सुक हैं, लोगों काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं, लोग सेल्फियाँ ले रहे हैं, लोग फ़ोटो ले रहे हैं और भारत की पहली रैपिड ट्रेन का इंतज़ार करते हुए। एक अलग ही नज़ारा है दोस्तों। आप देख सकते हैं ये पूरा स्टेशन परिसर खूबसूरती से बनाया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये पूरा रूट का मैप यहाँ पे है और ये देखिए दोस्तों अभी हम यहाँ पर हैं साहिबाबाद, फिर उसके बाद गाजियाबाद, गुलधर और ये दुहाई। ये चार जो प्लेटफॉर्म है, चार जो जगह हैं यहाँ के लिए ये ट्रेन शुरू की है। बाकी आप देख सकते हैं कि ये जंगपुरा से मोदीपुरम डिपो के लिए जल्द ही आने वाले समय में ये ट्रेन चालू हो जाएगी। और आप देख सकते हैं ये अंदर का नज़ारा, ये श्याम पार्क मेट्रो स्टेशन यहाँ से नज़र आते हुए दूर, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है दोस्तों। दोस्तों आप देख सकते हैं कि भारत की पहली ट्रेन प्लेटफॉर्म पे आते हुए, यहाँ दोस्तों नमो भारत रैपिड ट्रेन का आगमन प्लेटफॉर्म पे होते हुए, ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लम्हा है दोस्तों। और दोस्तों प्लेटफॉर्म पे ये ट्रेन आ चुकी है, आप देख सकते हैं ये ट्रेन प्लेटफॉर्म पे आ चुकी है। भारत की पहली सेमी बुलेट ट्रेन नमो भारत रैपिड ट्रेन का आगमन अब प्लेटफॉर्म पे हो चुका है और ये दरवाजे खुलेंगे और हम इस ट्रेन में यात्रा करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं दोस्तों।
दोस्तों ये दरवाजे खुल चुके हैं और भारत की पहली नमो रैपिड ट्रेन में हम आ चुके हैं और ये बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दोस्तों आप देख सकते हैं। ये खूबसूरत ट्रेन का नज़ारा है, ये खूबसूरत देखिए, बहुत ही कंफर्टेबल सीट आप देख सकते हैं ये यहाँ पर, और लोग अपने अपने मोबाइल में इस खूबसूरत लम्हे को कैच करते हुए, आप देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है दोस्तों। ये देखिए यहाँ से आपको बाहर का नज़ारा आपको दिखाई देगा, और ये काफी ज्यादा कंफर्टेबल सीट है आप देख सकते हैं, ये काफी सॉफ्ट इसे बनाया गया है, काफी कंफर्टेबल है, आप बिल्कुल कंफर्टेबल महसूस करेंगे यहाँ बैठने पर। दोस्तों दरवाजे बंद हो चुके हैं और ये ट्रेन यात्रा के लिए बिल्कुल तैयार है, आप देख सकते हैं ये खूबसूरत ट्रेन बैठने के बाद काफी ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करता है आदमी, और अब यात्रा के लिए बिल्कुल तैयार है। तो दोस्तों अब यात्रा शुरू हो चुकी है और आप देखिए ये क्या खूबसूरत नजारा है दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर अनाउंस होता हुआ, और ये शहर का खूबसूरत नजारा दोस्तों आप देख सकते हैं, ये जो खूबसूरत विंडो है इसके जरिए आप खूबसूरत के इस शहर की खूबसूरती को देख सकते हैं, और ये आप देखिए सामने LCD लगी हुई है जहाँ पर आपको जितनी भी सूचनाएं हैं वो शो की जाएंगी, कौन सा स्टेशन आने वाला है, क्या आने वाला है, और ये देखिए दोस्तों कितनी खूबसूरती के साथ ये नज़ारा आपको दिखाई दे रहा है, और ये ट्रेन यहाँ पर साई बाबा से निकलते हुए, और ये वसुंधरा का खूबसूरत नज़ारा आप देखिए, और इस तरफ देखिए दोस्तों आपको श्याम पार्क मेट्रो स्टेशन भी दिखाई दे रहा है आगे, और साहिबाबाद का इतनी ऊंचाई से खूबसूरत नज़ारा आप देख सकते हैं। और ये देखिए दोस्तों क्या नज़ारा है, इस जगह से आप शहर की खूबसूरती को देखिए, आपको आगे भारत की मेट्रो ट्रेन भी आती हुई दिखाई देगी इस साइड, और ये नोएडा की तरफ जाता हुआ ब्रिज जिसके नीचे से हम गुजरते हुए, और आपको यहाँ से दूर गाजियाबाद का रैपिड ट्रेन स्टेशन भी दिखाई देगा, आप अगर थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो दिखाई देगा, और ये नज़ारा दोस्तों अपने आप में लाजवाब है, ये स्टेशन आपको दिखाई देगा गाजियाबाद का इस जगह पे, और आप देखिए क्या खूबसूरती है दोस्तों, ये भारत की लाइफलाइन रेलवे का ट्रैक भी आपको दिखाई देगा यहाँ पर, और यहाँ पर दो ट्रेनों का संगम होते हुआ दोस्तों आप देखिए क्या नज़ारा है, ये शहीद स्थल मेट्रो स्टेशन भी आपको यहाँ पे दिखाई देगा। ये महामाया स्पोर्ट स्टेडियम और शहीद स्थल मेट्रो स्टेशन भी आपको नजर आ रहा होगा, और यहाँ पर दो मॉडर्न ट्रेनों का संगम होता हुआ दोस्तों आप देखेंगे, और ये देखिए गाजियाबाद का मेट्रो स्टेशन, और ये रैपिड ट्रेन का स्टेशन गाजियाबाद का आ चुका है, और क्या नज़ारा है दोस्तों, बहुत ही खूबसूरती के साथ बनाया गया है, और ये नया भारत है दोस्तों, 21वीं सदी का भारत, और यहाँ पर सब कुछ है, आप सेमी बुलेट ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं और ये एक ट्रेन फिर यहाँ से गुजरते हुए, आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा भीड़ है और लोग काफ़ी ज़्यादा उत्सुक हैं इसमें यात्रा करने के लिए। और दोस्तों ये देखिए किस तरीके से दरवाजे खुलते हैं और कैसे लोग बाहर से अंदर आते हैं और अंदर से बाहर जाते हैं, आप देखिए दरवाजे खुलने वाले हैं, ये देखिए दोस्तों सेफ्टी डोर, और उसके बाद ये डोर भी खुला, बहुत खूबसूरत है दोस्तों, इसमें अलग से एक फंक्शन दिया गया है
कि अगर आपको उतरना है तो दरवाजे पे एक बटन दिया गया है जिसे आप दबाएंगे तो दरवाजे खुल जाएंगे और ये ऑटोमेटिक दरवाजे बंद हो रहे हैं। और दोस्तों ये गाजियाबाद से आगे के लिए सफर करते हुए ट्रेन अगले स्टेशन के लिए रवाना हो चुकी है। और देखिए ये है दोस्तों गाजियाबाद शहर, आप देख सकते हैं ये गाजियाबाद शहर का खूबसूरत नज़ारा आप देखिए। और ये जो गाजियाबाद स्टेशन है ये काफ़ी ज़्यादा हाइट पे है, पूरे रूट में सबसे ज़्यादा अगर हाइट किसी स्टेशन की है तो इस स्टेशन की है, क्योंकि बीच में यहाँ पर मेट्रो का स्टेशन भी है इसलिए ये स्टेशन काफ़ी हाइट पे बनाया गया है। और पूरे शहर का खूबसूरत नज़ारा आप यहाँ से देख सकते हैं दोस्तों, ये नज़ारा अद्भुत है दोस्तों और इससे लोग भूल नहीं पाएंगे। और दोस्तों अब नेक्स्ट स्टेशन गुलधर आने वाला है और आप देखिए ये शहर का नज़ारा यहाँ से दिखाई दे रहा है। और बाहर से जो स्पीड की ट्रेन है आप अंदर बैठ के अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ट्रेन इतनी स्पीड से चल रही है, इतना ज़्यादा कंफर्टेबल है। और कल ही भारत के प्रधानमंत्री ने इसका उद्घाटन किया और ये गुलधर स्टेशन आता हुआ, बहुत शानदार नज़ारा दोस्तों। आप देखिए कितनी खूबसूरती से बनाया गया, एक अलग ही नज़ारा है दोस्तों स्टेशन का। जितने भी स्टेशन हैं एक नए तरीके से नए अंदाज से इसे सजाया गया है, संवारा गया है और ये आ चुका है दोस्तों स्टेशन आता हुआ। और दोस्तों देखिए कि गुलधर का स्टेशन, रैपिड ट्रेन का जो स्टेशन है आप देखिए दरवाजे ओपन हो चुके हैं और जिन्हें उतरना है उतर सकता है, जिन्हें आना है आ सकता है। क्योंकि पहला दिन है तो काफ़ी ज़्यादा लोगों में उत्सुकता है इस ट्रेन में यात्रा करने की और काफ़ी ज़्यादा लोग यात्रा करने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। और अभी ट्रेन गुलधर से आगे निकलते हुए और आप देख सकते हैं कि ये स्पीड ट्रैकर पे क्या स्पीड रिकॉर्ड होती है ट्रेन की। आप देखिए अभी ये 40 से 60 की तरफ जाता हुआ। और दोस्तों ये 80 प्लस हो चुका है, 80 के करीब जा रहा है और स्पीड बढ़ने में बिल्कुल वक्त नहीं लगता दोस्तों, आप देख सकते हैं। और ये 80 प्लस और ये 100 की तरफ जाता हुआ। आप अंदर से अंदाजा नहीं लगा सकते कि इतनी स्पीड है इस ट्रेन की जी, और ये 100 हो चुका है और इतनी स्पीड में भी अंदर से आप बिल्कुल कंफर्टेबल बैठे हुए हैं। अगर चाय का गिलास आपके हाथ में है, कप हाथ में है तो भी आराम से आप पी सकते हैं दोस्तों। और अभी ये 100 प्लस की स्पीड से ट्रेन चलते हुए, अभी स्पीड और बढ़ेगा जी हाँ, और स्पीड अभी और बढ़ेगा इसका, ये 20 के करीब जाते हुए 120 हो चुका है। वन थर्टी और ये 40 के करीब जाते हुए और अभी भी हमें बिल्कुल एहसास नहीं हो रहा है कि ट्रेन कितनी स्पीड में है, चल रही है। आप यकीन करें एक अद्भुत नज़ारा है दोस्तों, ये 140 के करीब हो चुका है और बहुत ही शानदार एक्सपीरियंस है दोस्तों। मेरे एक भाई बैठे हैं, भाई बताइए ना कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि अंदर बैठ के ट्रेन के स्पीड पता होना बड़ा मुश्किल है, लेकिन स्पीड बहुत है जी जी, और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है देखने के लिए। तो दोस्तों ये 21वीं सदी का भारत है और इस भारत में एक नया अध्याय जुड़ते हुए आप देख सकते हैं। और अब आगे हम आते हैं और ये दुहाई स्टेशन आते हुए और ये आखिरी स्टेशन है और ये दुहाई स्टेशन भी आ चुका है। और एक खास फंक्शन इस ट्रेन में, ये जो आप रेड कलर का बटन देख रहे हैं इससे दबाने पे दरवाजे ओपन होंगे और ये ग्रीन और ये दरवाजा ओपन हो चुका है। और अब दुहाई स्टेशन पे आ चुके हैं दोस्तों और ये देखिए खूबसूरत नज़ारा दुहाई स्टेशन का।
लाजवाब, अद्भुत, बहुत ही शानदार। दुबई स्टेशन पे आ चुके हैं और अब आप देख सकते हैं ये ट्रेन वापस साहिबाबाद की तरफ जाएगी। और अभी हम दुबई डिपो रैपिड ट्रेन स्टेशन पे आ चुके हैं और आप यहाँ का नज़ारा देखिए दोस्तों, शानदार नज़ारा है। लगभग सारे स्टेशन एक जैसे बनाए गए हैं और एक ही मॉडल, एक ही डिजाइन पे इनको बनाया गया है। बाहर से हो या अंदर से हो, इनकी खूबसूरती देखते ही बनती है दोस्तों। और ये ट्रेन दूसरे ट्रैक पे जाने के लिए आगे की तरफ जाते हुए, ये लिफ्ट, इस लिफ्ट से हम नीचे जाएंगे। और हम प्लेटफॉर्म से नीचे की तरफ आ चुके हैं और यहाँ का भी नज़ारा आप देखिए, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत नज़ारा है। और यहाँ से हम टिकट लेने के बाद वापस जाएंगे दोस्तों। और दोस्तों यहाँ से बाहर निकलते हुए, और ये गेट खुल चुका है और हम बाहर आ चुके हैं दोस्तों। और ये नज़ारा देखिए दुबई स्टेशन का, तो दोस्तों अब दुबई स्टेशन से वापसी का वक्त आ गया है और मैंने यात्रा पूरी की और मैं आपको बयान नहीं कर सकता कि कितनी खूबसूरत ये ट्रेन है और क्या एक्सपीरियंस है इसका, लाजवाब, अद्भुत और बहुत ही शानदार दोस्तों। तो अब वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, आप ज़रूर इस ट्रेन की यात्रा करें और अपने एक्सपीरियंस भी बताएं।